इसको मैंने इस तरह बनाया है, अब इसको हम अपने हाथ में पहनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी पुरानी टी शर्ट है उससे हम बनाएंगे बहुत ही काम में आने वाली चीज। तो पुरानी टी शर्ट को हमें इस तरह रख लेना है और ये साइड है यहाँ पर हमें इसे बराबर करके रख लेना है। अब यहाँ पर हमें अपना हाथ रख लेना है इस तरह से, इस तरह फैला के रख लेंगे, जितना हम फैला सकते हैं उतना फैला के रख लेना है। तो यहाँ पर स्पेस रख लेना है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पहले तो हमें इसी का मेजरमेंट ले लेना है अपने हैंड का, जिस तरह से हमने रखा है उसी तरह ऐसे राउंड में ले लेंगे, जिस तरह हमारा हाथ है उसी तरह ड्रॉ कर लेना है इसे। क्या करना है, यहाँ से एक एक इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, सिलाई में भी जाएगा कपड़ा, यहाँ पर एक एक इंच ले लेना है एक्स्ट्रा। अब इसी तरह कटिंग कर लेनी है। ये दो पीस बन गए हैं, इनको रखेंगे साइड में। एक पीस से यहां से ये कट करके अलग कर लेना है और यहां से एक एक इंच की इस तरह से निशान लगाना है और ये सीधा कर लेना है। यहां पर सारे में एक एक इंच के निशान लगा लेने हैं। ये स्ट्रिप्स कट कर लेनी है एक एक इंच की, बाकी भी ऐसे कट करेंगे। ये सारी स्ट्रिप्स कट कर दी है। अब देखिए, इन स्ट्रिप्स को लेना है और यहां से इस तरह से खींच देना है इनको, तो ये राउंड शेप ले लेगी। अच्छे से खींचना है ऐसे, तो ये राउंड में ऐसे बन जाएंगी। सारी स्ट्रिप्स इसी तरह रेडी कर लेनी है, बहुत सारी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। तो यहां पर 3 इंच की मार्किंग कर लेनी है, 3-3 इंच कट करनी है। ये कट कर ली है, अब ये पीस ऐसे रख लेंगे, इसको भी कट कर लेना है। इसी तरह सारी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है, बहुत सारे पीसेस कट कर लेने हैं। अब इस पीस के ऊपर लगाने हैं, तो एक पीस लेना है यहाँ पर ऐसे रखेंगे, यहाँ पर इतना इतना छोड़ के ये सिलाई में जाएगा, यहाँ से सीधी लाइन लगा देनी है और ये सीधी लाइन लगाई है, यहाँ पर ये पीसेस इस तरह रखने हैं। यहाँ भी सिलाई की लाइन रख लेंगे थोड़ा, और यहाँ पर ये पीसेस रखने हैं एक एक करके, और सिलाई लगा देनी है यहाँ तक। एक लाइन लगा दी है, अब इसे हमें इस तरह से रख लेना है, ऐसे कर लेंगे, और यहां से एक और लाइन लगा देनी है यहां पर, देख लेना है कितना हमारा यहाँ पर इकट्ठा होगा। यहाँ पर फिर से ये लगा देने हैं, ये पीसेस इस तरह कर लेने हैं, और ये दूसरी लाइन लगाई है यहां पर, यहां पर पूरी लाइन कवर कर देनी है। इसके बाद ये पीसेस इस तरह कर लेने हैं और फिर से हमें यहां से लाइन लगानी है, और इसी तरह ये पीसेस लगा देने हैं, इसी तरह आगे आगे लगाते हुए यहां तक फिल करना है। तो ये सारा पीस मैंने फुल कर दिया है सिल के, इस तरह से बन गया है ये पीस। और ये है दूसरा पीस, इसमें डालेंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक हमें कितनी लेनी है, जितना हमारा हाथ है उसके बराबर ले लेनी है, यहां से बराबर ले ली है, अपने हाथ का माप का ले ले। इसे दोनों साइड में डालना है, तो यहां से आधा आधा कर लेना है इसे। अब इसको डालना है यहां पर, तो इस तरह की कोई पिन ले लेनी है, पिन में डाल लेना है इसे, और यहां पर हमारा पहले से ही फोल्ड है कपड़ा, इसके अंदर डालना है इसे। यहां पर ये जो लगानी है हमें, ये कतरन ये हमें यहां पर लगानी है, जहां से सिलाई है वहां से लगाएंगे, तो यहां पर हमारा ये प्लेस बन जाता है। तो यहां से निकले ना, इसलिए यहां से थोड़ा सा हमें इस तरह सिल देना है। मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं, मैं यहां हाथ से ही लगा रही हूं। इससे क्या होगा, दूसरी साइड का निकलेगा नहीं, तो मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। इसी तरह यहां से ये पिन निकाल देनी है और यहां भी स्टिच लगा देना है। ये निकल लेना बाद में, इसलिए स्टिच लगा के यहां पर सेट कर लेना है। यहां पर इलास्टिक डल गई है, इस साइड में भी ऐसे डालनी है।
दूसरी साइड में भी डाल दी है इलास्टिक। अब दोनों को जोड़ना है, ये पीस इसी तरह रखना है और ये दूसरा पीस है सीधी साइड ऐसे रखनी है, उल्टी साइड ऐसे रखेंगे, दोनों को बराबर कर लेना है। अब सिलाई लगानी है, तो देखिए ये हमने जो लगाए हैं यहाँ पर इनको इस तरह कर लेना है और यहाँ से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए यहाँ से पूरा सिलाई लगानी है, जहाँ डबल डबल सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, अब इसको हमें सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद देखिए हमारा इस तरह बना है, ये हमारा इलास्टिक यहाँ पर डली है तो इस तरह बन गया है। ये दूसरी साइड है, दूसरी साइड से प्लेन है, अगर ऐसा ही बनाना है तो ऐसा भी बना सकते हैं दोनों साइडों से भी। तो इसको मैंने इस तरह बनाया है, अब इसको हम अपने हाथ में पहनेंगे। इस तरह देखिए हमारा एकदम परफेक्ट बैठा है, यहाँ से भी अगर लूज है तो एक सिलाई अंदर से और दे सकते हैं। ये हमारा एक डस्टर बन गया है ग्लव के रूप में, और इससे हम अपने जैसे घर में कांच वगैरह है या गाड़ी है उसको साफ कर सकते हैं, इस तरह से कुछ भी चीज साफ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा बाजार में भी हमें इस तरह के डस्टर मिलते हैं, तो ये घर में ही हमने बड़ी ही आसानी से बना लिया एकदम फ्री में, एक भी पैसा हमारा नहीं लगा है, बहुत ही अच्छी चीज है। जरूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। यहाँ पर देखिए ये मेरी मशीन है, मशीन को भी हम साफ कर सकते हैं इस तरह से, तो इसको हम किसी भी चीज को साफ करने में यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे मिरर होते हैं या कांच की खिड़कियां होती हैं हमारी, बहुत ही काम आता है ये डस्टर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो के साथ।